हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। इस लॉकडाउन में हमें करना क्या है? जम के पढ़ना है, जम के खाना है और जम के सोना है ना। लेकिन पढ़ाई थोड़ा सा ज़्यादा करना है इन सब के अलावा। तो पिछले क्लास में हमने नाउन्स को आइडेंटिफाई करना सीखा था कि किसी भी सेंटेंस में हम नाउन्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं, है ना। उनको पहचानने का तरीका हमने जाना था। नाउन को हमने बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में था क्या, वो विजिबल, पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या था? विजिबल, जिसमें पर्सन था, प्लेस था और थिंग था। ये सारी चीज़ क्या होती हैं? विजिबल होती हैं। अच्छा, सेकेंड वाले पार्ट में क्या मैंने डिवाइड किया था? सेकेंड वाले पार्ट में फेल्ट ओनली, कि जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, उसको मैंने FAQS से डिनोट किया था। FAQS, फेल्ट ओनली को, इस कैटेगरी को याद रखने के लिए आप सिर्फ ये वर्ड्स याद कर लो। FAQS, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी एंड S फॉर स्टेट। और यूनिट वाला पार्ट मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था। यूनिट वाले पार्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट वाले पार्ट में बेसिकली क्या होगा, टाइम हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें यूनिट वाले सेक्शन में आ जाती है। मैंने बहुत सारे बच्चों का फेयर देखा था, जो लोग FAQS के ही कुछ पार्ट्स को यूनिट वाले पार्ट्स में इंक्लूड कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यूनिट वाले पार्ट को कम्प्लीटली ब्लैंक रखना है। या तो आप लिखना चाहते हो तो वहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये आप मेंशन कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली नाउन के टाइप्स। नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो नाउन के, आप सब जानते हैं, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलो इन सारे टाइप्स को हम वन बाई वन करके एनालाइज करते हैं और इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट्स अ पर्टिकुलर नेम। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का पर्टिकुलर नेम होता है प्रॉपर नाउन। ओके, इनिशियल लेटर अपर केस। तो किसी भी प्रॉपर नाउन को जब हम लिखते हैं तो उसका इनिशियल, उसका शुरुआत का लेटर क्या होता है? अपर केस में होता है। क्या होता है? अपर केस। और अपर केस को क्या कहा जाता है? कैपिटल लेटर्स कहा जाता है। राम अगर आपको लिखना है, राम, या दिल्ली लिखना है, तो आर आपका कैपिटल लेटर में होगा और दिल्ली डी का आपका कैपिटल लेटर मतलब अपर केस में होगा। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर साइन को आप लोगों को पता होगा, जो फाई का साइन होता है, इसको मैंने आर्टिकल वाले चैप्टर में बताया था। इसको हम लोग पढ़ते हैं ज़ीरो आर्टिकल, मतलब हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम ए, एन या द का यूज़ नहीं करते हैं। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या करते हैं? ज़ीरो आर्टिकल, और किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर कोई एक्सेप्शन है भी तो मैंने आर्टिकल के चैप्टर में बता दिया है ना। ओके, फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? राम, न्यू दिल्ली, जैगवार XF, ये क्या है? एक कार का नाम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ओके, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम होता है। रिप्रेजेंट्स द क्लास और कैटेगरी। क्या करता है? उस पूरे क्लास और पूरे कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। किसी एक नाम रखने से अगर पूरे उस क्लास को रिप्रेजेंट किया जा सके, पूरे उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है। इसका इनिशियल लेटर क्या होता है? लोअर केस होता है, मतलब स्मॉल लेटर्स होता है। और इसके पहले हम आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय, मैन, सिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई बाहर से आकर कहे कि सर आपको वहाँ पर कोई बुला रहा है ना, तो कोई बुला रहा है का मतलब कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई आकर कहे कि वहाँ पर आपको राम बुला रहा है या श्याम बुला रहा है या सीता बुला रही है, तो क्या वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बॉय कहने से बॉय के पूरे कैटेगरी, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिटी कहने से कोई भी सिटी हो सकता है, ये कॉमन है। अब मटेरियल नाउन क्या है, इसको ज़रा सा समझे। मटेरियल नाउन, नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मैटर, किसी भी चीज़, पदार्थ, वस्तु के, वस्तु को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन को एज ए मटेरियल नाउन हम ट्रीट करते हैं। ओके, मटेरियल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता है। कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ए एन कभी यूज़ नहीं होता है।
इसके एग्जांपल्स हैं कॉटन, गोल्ड, आयरन, मिल्क एट्सेट्रा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कलेक्टिव नाउन, ये फोर्थ पार्ट होता है, फोर टाइप्स होता है नाउन का। ये ग्रुप ऑफ सिमिलर को डिनोट करता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर। जरा इसको अच्छे से समझने वाली बात है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर क्या होता है। सपोज़ कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में 50 बच्चे हैं, है ना, और 10 बच्चे सिक्स क्लास में है, 10 बच्चे सेवन्थ क्लास में है, है ना, और 10 बच्चे क्या यार इतना नॉइज़ पॉल्यूशन करा दिया। हाँ अच्छा, तो एक ही क्लास में अगर मल्टीपल क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के लोग बैठे हों, जिनका एम और गोल अलग अलग हो, एक साथ बैठे हों, तो उनको हम क्लास नहीं बोल सकते हैं। अगर एक रूम में अगर 10 लोग बैठा है तो 10 लोगों का उद्देश्य, 10 लोगों का गोल एक ही होना चाहिए, है ना। अगर मान लो कि 10 लोग बैठे हैं और सबका प्रोफेशन अलग है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उन सारे लोगों को मिलाकर हम एक क्लास नहीं बोल सकते हैं, एक ग्रुप नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो क्लास का मतलब ही होता है कि उन सारे लोगों का जो कि एक झुंड में बैठे हैं, उनका पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, है ना। जैसे फैमिली है, अगर हम सारे लोग एक साथ, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स और सारे लोग एक साथ बैठ जाएं, तो हम लोग फैमिली नहीं कहलाएंगे, क्योंकि फैमिली कहलाने के लिए पेरेंट्स सेम होना चाहिए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल गैंग्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन होती हैं। तो कलेक्टिव नाउन होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कि वो ग्रुप ऑफ सिमिलर्स होने चाहिए, सबका ऑब्जेक्टिव्स सेम होना चाहिए। ओके, ज़्यादा इसको नहीं डिस्कस करते हैं। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसको अच्छे से समझने वाली बात है, है ना। इसको समझाने में मुझे समय लगेगा और थोड़ा सा आपको अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, इसको बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। देखो इसको मैंने समझाने के लिए कितना मेहनत किया है ना, तो इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आपको याद होगा कि जब मैंने नाउन पढ़ाया था, और नाउन को जब फेल्ट ओनली में कैटेगराइज किया था, उसमें मैंने FAQS बताया था, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट के बारे में। तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिया है यहाँ पे, ऑनेस्टी, लाफ्टर, एंग्जाइटी, लव, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ पार्ट्स को अंडरलाइन किया है। क्या किया है, कुछ पार्ट्स को अंडरलाइन किया है। अब उसे ज़रा सा हम समझते हैं कि क्यों अंडरलाइन किया गया। अच्छा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में मैंने वाई को अंडरलाइन किया है। एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट अपने आप में क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, जो किसी पर्सन के बारे में बताता है कि वो पर्सन ऑनेस्ट है। जब हम ऑनेस्ट में वाई को ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो पहले ऑनेस्ट क्या था, एडजेक्टिव था, लेकिन हमने अगर कुछ उसमें ऐड कर दिया तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया, वो कहाँ पे चला गया, वो चला गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया। ओके, लाफ, हम जानते हैं लाफ एक वर्ब है, लाफ क्या है, एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही लाफ में हम TER जोड़ते हैं, TER को ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है क्या, लाफ्टर, और ये क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ध्यान से सुनना इसे, हेट्रेड, हेट आप समझते होंगे, हेट, हेट में जैसे ही हम RED जोड़ते हैं, RED जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हेट्रेड बन जाता है। तो हेट एक अपने आप में क्या है, अगर आप किसी को हेट करते हो, हेट मीन्स नफरत करना, तो वो क्या है, एक वर्ब है। वर्ब क्या है, एक हेट क्या है, एक वर्ब है। जैसे हम उसमें RED जोड़ते हैं तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। वैसे ही फ्रेंडशिप, फ्रेंड जब आप बोलते हो तो फ्रेंड क्या है, एक कॉमन नाउन है। फ्रेंड क्या है, एक कॉमन नाउन है, और जैसे ही फ्रेंड में आप शिप जोड़ते हो, SHIP शिप, तो ये फ्रेंडशिप बन जाता है, और ये कहाँ पे चला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, है ना, ये चला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, हैप्पीनेस, जब आप हैप्पी में नेस जोड़ते हो तो वो हैप्पीनेस बन जाता है, और वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वैसे हैप्पीनेस क्या, हैप्पी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हैप्पी एक एडजेक्टिव होता है, जो किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में बताता है कि कोई भी बंदा हैप्पी है, है ना। अच्छा, तो ये सारा खेल क्या है, ये सारा खेल क्या है, आप इस डायग्राम से समझो, है ना।
मैंने लिखा ऊपर अफिक्सेस, ऊपर लिखा मैंने अफिक्सेस। अच्छा, अफिक्सेस को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। इसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, प्रेत नहीं प्रत्यय, है ना, कुछ लोग भूत प्रेत समझ जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आपके हिंदी टीचर ने बताया होगा कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। तो वहीं इंग्लिश में होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स वर्ड के बाद लगता है। अच्छा, और ये लगता किसके, लगता जिसके आगे या पीछे है, लगता जिसके आगे या पीछे है उसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और रूट का मतलब क्या होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड। वर्ड जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट वर्ड होता है। लेकिन उसमें जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर देते हैं तो वो अपना मीनिंग चेंज कर देता है। अच्छा, अफिक्सेस को, अफिक्सेस का मतलब होता है सेमी वर्ड। अफिक्सेस का मतलब होता है सेमी वर्ड, है ना। अच्छा, जब अफिक्सेस किसी भी रूट वर्ड में ऐड होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, ज़रा इसको हम देख लेते हैं, है ना। चेंजेज द मीनिंग, ये क्या कर देता है, मीनिंग को चेंज कर देता है, मीनिंग को चेंज कर देता है। अच्छा, और क्या करता है, इस अफिक्स का अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। ये तो सेमी वर्ड होता है, और सेमी वर्ड के होने के साथ साथ उसका अपना कोई इंपॉर्टेंट, अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। और ये जिसमें लगता है उसका मीनिंग, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इम्पॉसिबल। क्या वो लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल। अच्छा, एक लिखा हुआ है इम्पेयरमेंट, इम्प्योर, इमेजिनेशन, इमीडिएट, है ना। ये कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं और इसमें मैंने कुछ पार्ट्स को अंडरलाइन किया। अच्छा, आप जानते हो कि पॉसिबल जो है एक अपना वर्ड होता है, पॉसिबल अपना एक वर्ड होता है जिसको हम कहेंगे रूट वर्ड। पॉसिबल अपना एक ओरिजिनल फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में एक रूट वर्ड होता है जिसके पहले हम इम को ऐड करते हैं एज अ प्रीफिक्स, आई एम को ऐड करते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो ये क्या कर देता है, इसके अर्थ को, इसके मीनिंग को चेंज कर देता है। क्या कर देता है, इसके मीनिंग को चेंज कर देता है। और कैसे चेंज करता है, निगेटिवली चेंज कर देता है। क्या कर देता है, निगेटिवली चेंज कर देता है। सेकेंड वाले में हम देखते हैं इम्पेयरमेंट। तो इसमें जो रूट वर्ड है, इसमें जो रूट वर्ड है वो पेयर है, आप समझ रहे होंगे। पेयर एक रूट वर्ड होता है, बेसिक वर्ड होता है, पी ए आई। या पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है या जोड़ी होता है ना। तो इसमें आप देखोगे इसमें प्रीफिक्स भी ऐड हुआ है और सफिक्स भी ऐड हुआ है। आई एम प्रीफिक्स होगा और एम ई एन टी सफिक्स होगा, एम ई एन टी सफिक्स होगा। तो ये जुड़कर एक साथ क्या बनाते हैं, इम्पेयरमेंट बनाते हैं। ओके, प्योर आप जानते होंगे, प्योर एक वर्ड है और उसके पहले आई एम जुड़ जाता है तो इसको निगेटिवली चेंज कर देता है, एज अ प्रीफिक्स जुड़कर इसको, इसके मतलब को जस्ट अपोजिट कन्वर्ट कर देता है। आप जानते होंगे कि इमेजिन, इमेजिन एक रूट वर्ड है, इमेजिन एक रूट वर्ड है। उसमें जैसे ही एशन को ऐड किया जाता है, ATION एज अ सफिक्स, तो उसका मतलब चेंज हो जाता है इमेजिनेशन, और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये मैंने एडिशनल और एडवांस लेवल पे इस इंफॉर्मेशन को देने की कोशिश की है कि अगर आप, जब आप स्कूल छोड़कर कहीं जाओगे तो आपको याद होगा कि हाँ किसी ने पढ़ाया था सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में, जो कि आपको उस समय पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ का इम्पोर्टेंस कितना है ना। तो इसको अगर आप, मैं नहीं भी बताता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ इसको, मैं अपने पास रख के क्या करता, तो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। देखो, इमीडिएट, अब देखो आपको अगर इसको सोचो तो क्या ये लग रहा है कि इसमें कुछ ऐड हुआ है, नहीं। कैसे नहीं लग रहा, क्योंकि इमीडिएट कहने से इसके मीनिंग पे कोई भी निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। इमीडिएट मतलब क्या होता है, जल्दी करो। तो क्या यहाँ पर आई एम लगने के बावजूद भी कोई इसके मीनिंग पे निगेटिव इफ़ेक्ट आया है, बोलो। नहीं 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 आया है। तो जब नहीं आया है तो इससे ये पता चलता है कि ये खुद में एक रूट वर्ड है। ये क्या है,
ये खुद में एक रूट वर्ड है, इसको अगर हम बदलने की कोशिश करते हैं तो हम इसको इमीडिएटली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इमीडिएटली बना सकते हैं। ओके, तो कुछ रूल्स हैं इसके रिलेटेड, कुछ रूल्स हैं इसके रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड, कोई भी रूट वर्ड के बाद में अगर सफिक्स, इस वाले पार्ट को देखो, कोई भी रूट वर्ड के बाद अगर सफिक्स ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। वो क्या होता है? वो सफिक्स मिलकर उस रूट वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करता है। अच्छा, तो ये सारे सफिक्स होते क्या हैं? तो कभी कभी हम रूट वर्ड्स में ए टी आई ओ एन एशन जोड़ते हैं, टी आई ओ एन जोड़ते हैं, आई एस आई ओ एन जोड़ते हैं, आई ओ एन जोड़ते हैं, नेस जोड़ते हैं, शिप जोड़ते हैं, रेड जोड़ते हैं, टर जोड़ते हैं, आई टी वाई टी वाई वाई टी एच एच आई एस एम एंस और एंस। क्या करते हैं? ये सारे सफिक्सेज हैं जो कि रूट वर्ड में ऐड होते हैं और उसको क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास रूल है कि किसी भी रूट वर्ड में जब हम एल वाई, क्या करते हैं, किसी भी रूट वर्ड में जब हम एल वाई ऐड करते हैं तो वो हमेशा या तो एडजेक्टिव बनता है या तो एडवर्ब बनता है। क्या बनता है? या तो एडजेक्टिव बनेगा या तो एडवर्ब बनेगा, है ना। अच्छा, एक और रूल हमारे पास है कि किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब तो नहीं बोल सकते हैं, किसी किसी वर्ब में जब हम ई आर और ओ आर ऐड करते हैं, ई आर और ओ आर ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है? कॉमन नाउन बनाता है। क्या बनाता है? कॉमन नाउन बनाता है। अच्छा, चलो इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले दिया हुआ है मैनेज। क्या दिया हुआ है? मैनेज। तो इसमें हम क्या सफिक्स करें जो कि इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दें? इसमें हम क्या ऐड करते हैं? मेंट, एम ई एन टी। अटेंडेंस, अटेंड, अटेंड को हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? अटेंडेंस, जो कि क्या बन जाता है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। रिवाइज को हम आई ओ एन जोड़कर रिविज़न बना देते हैं। डिसाइड को एस आई ओ एन जोड़कर डिसीजन बना देते हैं। एक्सेप्टेंस में एंस जोड़कर एक्सेप्टेंस बना देते हैं। लाइफ, लाइफ को लाइफ बनाया, सॉरी लिव, एल आई वी, लिव, लिव को क्या बनाया जाता है? लाइफ बनाया जाता है। अब देखो, ड्राइव जो है, लाइव मीन्स जीना और ड्राइव मीन्स ड्राइव करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वर्ब है। लाइफ भी एक, लिव भी एक वर्ब है और ड्राइव भी एक वर्ब है। तो हम जब इसमें ऐड करेंगे, जब हम लाइव, लाइव में ई आर या ओ आर ऐड करेंगे तो लाइवर या लाइवोर नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम एक दूसरे रूल से लाइव को लाइफ बना देते हैं, लाइफ को लाइफ बनाते हैं। ड्राइव को हम ड्राइवर नहीं बना सकते हैं, ड्राइव को हम ड्रिफ्ट बनाते हैं, ड्राइव को हम ड्रिफ्ट बनाते हैं। थिंक, थिंक को क्या बनाते हैं? थॉट बनाते हैं। थिंक को थिंकर नहीं बना सकते हैं, थिंक को हम थिंकर नहीं बना सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। तो हमको क्या बनाना पड़ता है? थॉट बनाना पड़ता है। नॉलेज, नो से हम नॉलेज बनाते हैं, नो से नॉलेज बना देते हैं। हील, हील से हेल्थ बनाते हैं, हील से हेल्थ बनाते हैं, है ना। तो यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं हम, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। हाँ, जगह अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे, अफिक्सेस वाले, सफिक्सेस, प्रीफिक्स वाले पार्ट को देखोगे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, है ना। ये थोड़ा सा टफ है आपको, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करके अगर अपना बना लेते हो तब तो ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हो, है ना। ये थोड़ा सा लेवल अप है, है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। चलो, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।